कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत कभी पड़ी नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत कभी पड़ी नहीं, और बीतते वक्त के साथ माँ बाप की जरूरत किसी को रही नहीं। सभी को नमस्कार, मेरा नाम दीपिका जांगड़ा और आज की जो मेरी कविता है, दरअसल वो मैंने लिखी है अपने आसपास के युवाओं को देखकर। शीर्षक से शायद आप कुछ समझ जाएं, कविता का शीर्षक है जेनरेशन गैप, कि माना उनकी दुआ करने का तरीका तुमसे जुदा है, माना उनके मन में ईश्वर नहीं खुदा है। तो क्या हुआ, क्या हुआ अगर प्रार्थना ईश्वर से करें या फिर अल्लाह से, मकसद तो तुम्हारी सलामती की दुआ है। मकसद तो तुम्हारी सलामती की दुआ है। माना वो व्हाट्सएप पर डीपी नहीं लगाती, आड़े तिरछे से चेहरे बनाकर वो फोटो भी नहीं खिंचवाती, तो क्या हुआ अगर वो सोशल मीडिया पर भी रोज़ ऑनलाइन नहीं आती, और वो तुम्हारे ब्रेकअप पर दो आंसू भी नहीं बहाती। आखिर वो है तो तुम्हें जन्म देने वाली माँ ही। माना माँ गणित नहीं जानती, माना माँ गणित नहीं जानती, तभी तो हमेशा एक मांगने पर दो रोटियां लेकर आती है। माना माँ गणित नहीं जानती, तभी तो हमेशा एक मांगने पर दो रोटियां लेकर आती है। आखिर वो वही माँ है जिसने 9 माह तक तुम्हें अपने गर्भ में रखा, फिर उस माँ के लिए किस प्रकार तुम्हारे इन आलीशान महलों में जगह नहीं होती, इतने कष्ट सहकर तुम्हें जन्म है देती, पालती, पोसती, फिर उस माँ के कष्टों पर आखिर कैसे तुम्हारी आंखें नहीं ठहरती, फिर उस माँ के कष्टों पर आखिर कैसे तुम्हारी आंखें नहीं ठहरती। अपने हिस्से की रोटी तुम्हें दे देने वाली आखिर क्यों तुम द्वारा ही मोहताज कर दी जाती है, अरे जो साक्षात ईश्वर का प्रतिरूप है, ममता मई जिसका स्वरूप है, जिसकी ममता की सीमा दानव दैत्य ईश्वर मनुष्य इन सब की कल्पना से दूर है, ऐसे फरिश्ते को मनुष्य आखिर तू क्यों ठुकराता है। अरे जिसका प्यार तो स्वयं ईश्वर भी पाना चाहता है, आखिर उसे तू क्यों रुलाता है, आखिर उसे तू क्यों रुलाता है। एक प्रश्न करना चाहूंगी आज मैं उन सारी संतानों से, एक प्रश्न है मेरा उन सारी संतानों से जो छोड़ आए हैं अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम जैसे तहखानों में, जो छोड़ आए हैं अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम जैसे तहखानों में। जब तुमने खुद ही ईश्वर को अपने आशियाने में पनाह न दी, तो उस काल्पनिक ईश्वर से भला तुम्हें खुशियों की उम्मीद भी कैसे हुई, तो उस काल्पनिक ईश्वर से भला तुम्हें खुशियों की उम्मीद भी कैसे हुई। जीवन भर तुम यूं ही आंसू बहाओगे, क्योंकि ईश्वर ने भी तो तुम्हें जन्म देकर केवल कष्ट ही सहे, क्योंकि ईश्वर ने भी तो तुम्हें जन्म देकर केवल कष्ट ही सहे। अब मेरी रचना की जो अंतिम कुछ पंक्तियां हैं वो मैं अपनी माँ को समर्पित करना चाहूँगी, कि दरगाह पे बैठे उस फकीर की दुआ कबूल होगी या नहीं पता नहीं, कि दरगाह पे बैठे उस फकीर की दुआ कबूल होगी या नहीं पता नहीं, कि मंदिर की घंटियों से मनमांगी मुराद पूरी होगी पता नहीं, कि मंदिर की घंटियों से मनमांगी मुराद पूरी होगी या नहीं पता नहीं, पर मेरी माँ के मुख से निकले हुए आशीष कबूल होंगे इस बात में मुझे कोई शक भी नहीं, इस बात में मुझे कोई शक भी नहीं।